गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का केंद्र में मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। गोवा में सियासी हलचल अचानक से तेज हो गई है। सीएम मनोहर पर्रिकर नई पारी की शुरुआत करने केंद्र आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पर्रिकर यूपी से राज्यसभा के रास्ते केंद्र की सियासत में एंट्री करेंगे। पर्रिकर ने आज अपने विधायक दल के साथ एक बैठक भी की। बैठक के बाद उन्होंने अटकलों पर खुद ही मुहर लगा दी। कल 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर टीम की बैठक होगी, उसके बाद करीबन 1 या 1.5 बजे तक आ जाएगी। लेकिन उसके पहले चीफ मिनिस्टर रिजाइन होना चाहिए तो ये नया लीडर चूज कर सकते। तो पहले 11:30 बजे मैं इस्तीफा देने वाला हूँ, उसके बाद में उठा। पर्रिकर को केंद्र में रक्षा मंत्री का पद दिए जाने की खबरें हैं, लेकिन वो अभी इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। दूसरी ओर गोवा में पर्रिकर का उत्तराधिकारी तय करने के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक राजीव प्रताप रूडी और बीएस येदुरप्पा गोवा पहुंच रहे हैं। पर्यवेक्षकों की विधायकों से बातचीत के बाद कल सीएम के नाम का ऐलान होगा। फिलहाल मौजूदा स्पीकर राजेंद्र आरलेकर का नाम सबसे आगे चल रहा है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं पार्टी को ब्रीफ करूंगा और कल लेजिस्लेचर विंग में निर्णय होगा। माना जा रहा है कि कल विधायक दल का नया नेता चुने जाने के बाद कल ही नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। मनोहर पर्रिकर को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सांसद बनाया जा सकता है। केंद्र में मंत्री बनने वाले का दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी होता है। कैमरामैन आशीष चावला के साथ मनीष अवस्थी, पणजिम, गोवा, इंडिया न्यूज। चलिए, मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह, उनसे हम बात करेंगे। राकेश, फोन आने पीएमओ से शुरू हो गए हैं। रमेश बैंस साहब के पास फोन आ चुका है, रामकृपाल यादव के पास फोन आ चुका है, और क्या खबर है? देखिए, मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार रविवार को होने जा रहा है और सबसे खास बात यह कि प्रधानमंत्री कार्यालय से और खुद प्रधानमंत्री कई लोग जो संभावित मंत्री जो मंत्री बनने वाले हैं उनको लगातार फोन जा रहा है, जिसमें रामकृपाल यादव के साथ साथ मनोहर पर्रिकर और रमेश बैस जैसे नेता हैं जिन्हें पीएमओ से फोन किया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि करीब एक दर्जन यानी 12 नए चेहरे होंगे जो कि रविवार को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अनुराग, चले राकेश, इस पर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा आगे भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।